हेलो दोस्तों, आज के लोगों में आपका स्वागत है। तो फाइनली आज नया दिन है, नया शुरुआत है। मैं कॉलेज से प्रैक्टिकल करके आ चुका और थोड़ा लेट आया था घर पे, क्योंकि प्रैक्टिकल में कैसा रहता, हमेशा डिले होता ही है दोस्तों। आज नाश्ते में देखते हैं क्या है, भूख भी लगी है, तो सोचा पहले थोड़ा कॉलेज आता हूँ। भगवान को मैंने सुबह से प्रे किया था, तो सुबह से तो कॉलेज के लिए हरी में था, तो व्लॉग नहीं बनाया। चलिए एक और वापस से भगवान को प्रे करते, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा मैं रोज़ प्रे करता हूँ और ज़रूरी है प्रे करना। थैंक यू भगवान एक नया दिन का शुरुआत करने के लिए, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे सारे दोस्त को एकदम उनके साथ रहना, उनके उनके लिए खुशियाँ बांटना, और मेरे लिए भी, मेरे ऊपर भी आपकी कृपा बनाना, और मेरी फैमिली पर भी। आपका तहे दिल से मतलब मैं आभारी हूँ कि आप हमारे साथ हो, ऐसे आप साथ बनाए, आपकी कृपा मुझ हम पे बनाए रखिए, मेरे मेरे दोस्त पे, सब पे, पूरे इंडिया पे, ऐसे आपका हाथ हमारे ऊपर हमेशा ही रखना। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री राम दोस्तों, जय बजरंग बली। तो दोस्तों फाइनल भगवान से ही प्रे हो चुका है। चलिए भगवान ने अभी ब्लेसिंग दे दिया, तो गारंटी भगवान ने आशीर्वाद दिया तो सब अच्छा होएगा। पॉजिटिव रहो, सब रहो। चलो अभी देखते खाने में क्या है, आइए देखते हैं खाने में क्या है। खाना में यस भिंडी आलू की भाजी और रोटी। किसकी भिंडी आलू? नाश्ते में भिंडी आलू है? अभी नहीं, अभी तो पनीर का भुर्जी है और रोटी है, पराठा। हाँ वही मैं सोचा भाई, मैं भी डर गया यार, भिंडी आलू नाश्ते में, तो आज पनीर की भाजी है। वाह आज मतलब अच्छा एकदम नाश्ता। पनीर लेके आई थी आप? नहीं, दूध का फट गया था, वही है। अच्छा दूध फट गया था? हाँ। दोस्तों देखा क्या ऐसा रहता कि दूध फट जाता तो हम लोग ही मजे है, मतलब दूध फटे या ना फटे, फटेगा तो पनीर मिलेगा, नहीं फटेगा तो दूध मिलेगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो, मम्मी ने सलाद के नाम पे बीटरूट दिया है, पनीर भुर्जी है और पराठा है, घी वाला पराठा। हाँ दोस्तों, मेरे को मोटा करने के लिए मम्मी पूरा एक्सपेरिमेंट अपना ट्राई कर रही है, पूरा अपना बेस्ट दे रही है, देखते हैं मोटा होता हो कि नहीं। हमारा काम तो है खाना, तो चलिए खाना एंजॉय करते हैं, आई मीन नाश्ता। आप भी अपना नाश्ता करिए, हालांकि लेट हो गया है नाश्ते के लिए, लेकिन फिर भी नाश्ता, जब तक खाने वाले तब तक तो नाश्ता करेंगे। चलिए फिर नाश्ते के बाद मिलते हैं। हाँ दोस्तों, नाश्ता भी एकदम पेट भर हो चुका है, और अभी देखते हैं कि मैंने मतलब मैं आपको अपडेट नहीं किया उस समय मैं नाश्ता कर लिया था ऑन द स्पॉट, और नाश्ता करने के बाद मैंने अपना काम भी कर लिया था, और तो रेस्ट भी लेता कैसा था, कॉलेज के बाद आया तो थक गया था तो रेस्ट भी ले लिया था, तो वो अभी आपको बता नहीं, तो सोचा कि उस समय को ऐसे का आँख लग गया था तो आपको बता नहीं पाया, लेकिन अब हाँ अभी नाश्ता भी हो चुका है, फिर मैंने थोड़ा काम भी कर लिया अपना कॉलेज का, और फिर रेस्ट भी ले लिया। चलिए देखते अभी खाने में क्या, तो भूख लग रही है, तो चलिए फटाफट खाना खाते हैं। क्या खाई खाने में? वही रोटी और पनीर की भुर्जी। वो जो नाश्ता था मम्मी ने खाना बनाया कहाँ है, वही था मम्मी शाम में बनाएंगे। मम्मी खाने में क्या है? खाने में क्या है? क्या रोटी भाजी? किसकी भाजी है? पनीर भुर्जी खत्म हो गया। ओके तो दोस्तों जैसा कि आपको पता चल रहा है, खाने में तो कुछ है नहीं, आलू भिंडी की भाजी है तो वही खाना पड़ेगा, तो चलिए वो खाते हैं। और क्या, मम्मी ने आज ऐसा कुछ बनाई नहीं है, रोटी बनाई थी और पनीर भुर्जी तो खत्म हो गया जैसा कि नेहा जी बताई है, नेहा जी ने खा ली, तो चलिए अभी हमें आलू भिंडी और रोटी खाना है। वो खाने में है, अरे ये तो भिंडी नहीं है, चलो ठीक है भिंडी नहीं है तो भिंडी को रख देते हैं। खाने में है, अरे पनीर भुर्जी तो खत्म है। खाने में है, अरे यार इसमें तो दूध है यार, सॉरी दोस्तों क्या बताऊँ। खाने में है, हाँ मिल गया भिंडी। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं खाने में भिंडी है, रोटी है, तो चलिए फटाफट खाते हैं वही है, तो चलिए फटाफट भाजी भी डाल देते हैं, ये तो बहुत कम आ रहा है, तो दोस्तों भाजी भी डाल दी है। तो फाइनली खाना खा के हो चुका है और प्लेट भी धो दिया है। तो आज मैंने आपको बताया था कि कल मैं दीदी ने बताई थी हमें कि पानी चेंज करना है फिश टैंक का, तो चलिए आज फिश पॉट का पानी चेंज करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आज हम लाली का फिश पॉट का पानी कैसे चेंज कर देते हैं। हाँ तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो लाली आपके सामने आ चुकी है, एंड यस लाली अभी मूड है सोने के एकदम, आज उसका मूड एकदम है आप लोग से बात नहीं करने का, एकदम शांत है वो, तो आज हम लाली को नए पानी में डालेंगे, लाली भी बोर हो गई है पानी से, चलिए लाली का पानी चेंज करते हैं कि नहीं लाली। लाली तो मैंने लाली का पॉट ले लिया है और लाली को किचन की ओर लेके जा रहा हूँ, एक बर्तन में लाली का पूरा पानी शिफ्ट करेंगे। तो दोस्तों अभी हम लाली को शिफ्ट करेंगे इसमें, ये पतीली में जिसमें मम्मी चाय बनाती है यूजुअली, तो चलिए मैंने मम्मी से पूछ लिया कि मम्मी इसमें ही डालना है, तो हाँ मम्मी बोल दी, मम्मी का परमिशन यस है, तो अब हम इसको लाली को इसमें डालेंगे। ठीक है तो चलिए लाली को इसमें डाला जाए। तो दोस्तों सबसे पहले हम लाली का ये प्लांट निकालेंगे, अब हम डालेंगे लाली को झपाक से इसमें। यस पानी शिफ्ट हो रहा है, पानी शिफ्ट हो रहा है, अरे लाली तो जा ही नहीं रही दोस्तों, क्या करें यार, मेरे को डर लग रहा है, लाली जाना ही होएगा आपको। ओह शिट्स, ये मार्बल सो गिर रहे हैं, मेरे को ऐसा लगता है ऐसा शिफ्ट करते करते लाली को चोट लग सकती है दोस्तों। तो मैं फिलहाल अभी पानी वापस उसमें डाल रहा हूँ, क्योंकि पानी कम हो गया तो लाली को दिक्कत दे रहा था, तो हाँ मैंने पानी वापस डाल दिया है। तो
अब मैं ये डिसाइड कर रहा हूँ, और रक्षा मेरे को ये आइडिया दिए कि एक काम करते हैं, इसको हम मग में डालते हैं। मग में डालना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें डालना थोड़ा रिस्की है। वो लाली उसमें जा ही नहीं रही है, अनकम्फर्टेबल फील हो रही है, तो वो जा ही नहीं रही है। वो जैसे ही कॉर्नर पे आ रही है तो वो और एज में भाग रही है, पूरा एक दूसरे कॉर्नर साइड में भाग रही है, जिसकी वजह से हमें दिक्कत दे रहा है, और पानी कम हो रहा है तो उसको भी दिक्कत हो रहा है ब्रीज होने के लिए, ब्रीज लेने के लिए। तो चलिए मैं बाथरूम से मग निकाल रहा हूँ। एंड दोस्तों ये रहा मग, ये मग में हम डालेंगे लाली को, देखते हैं लाली इसमें आती है कि नहीं। आइए, तो मिशन लाली को मग में डालना है, लेट्स सी हम सफल होते हैं कि नहीं। तो चलिए एक और बार लाली को वापस अंदर डालने का प्रथा चालू हो रहा है। लाली डरना नहीं है, हौसला हारना नहीं है, यस आ जाओ आ जाओ, चलो लाली आ जाओ, चलो चलो। लाली चलो, चलो लाली चलो, आ गई दोस्तों। यस लाली आ चुकी है, लेकिन दोस्तों हिल रही नहीं है। हिल लाली, लाली को क्या हो गया, हिल। हाँ हाँ यस शी इज़ ओके। तो चलिए दोस्तों अब हम मार्बल्स को फटाफट धो लेते हैं। लाली इसमें ठीक है और मैं इधर है, फटाफट इसको घुमा रहा हूँ। तो इसमें थोड़ा देखो, जैसा कि आप देख रहे हो लाली ने गंदगी कर दी थी पानी में, और अभी वो गंदगी हम साफ़ कर रहे हैं, और वापस फिर लाली को इसमें इसमें हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो चलिए मार्बल तो धुल चुका है, मार्बल को अब फेंक के आते हैं वॉश बेसिन में पानी। फाइनली मार्बल्स को धो दिया है, अब देखो मार्बल चमचमा रहे रहेंगे, क्योंकि अंदर ने इसे अच्छे से धो दिया है। मैंने दीदी से ज़्यादा अच्छे से धोया है, कमेंट में बताना दीदी कैसे धो दीदी, और मैं शेट्स। तो फाइनली देखो पानी साफ करे, जैसे कि आप देख रहे हो। ये सब मैं ये सोच रहा हूँ कि लाली को कौन से पानी में रखूँ, वो प्योरीफाइड वाटर की नल वाला पानी, मैं सोच रहा हूँ प्योरीफाइड वाटर। तो आइए हम प्योरीफाइड पानी डालेंगे लाली के लिए। अब हम इसमें डालेंगे टेबल, अब दिमाग लगाना है अब लाली को अभी, क्योंकि ये है गंदा पानी। अब हम वापस में कुछ तो गंदा पानी इसमें आ जाएगा दोस्तों। तो डाउट है यार, अब मुझे लग रहा है, मुझे मम्मी बोल रही है कि एक करछुल जिससे मम्मी भाजी बनाती है वो यूज़ करके उसमें से लाली को फटा इसमें शिफ्ट करना है। तो आइए वो करते हैं दोस्तों। ये करछुल है, अब हम इसमें लाली को डालेंगे। चलिए लाली आई, आना पड़ेगा, आ जाओ लाली आ जाओ। दोस्तों लाली को करछुल में तो ले लिया है, तो पानी कम कर रहा हूँ। यस, तो फाइनली लाली आ चुकी है अंदर, पेड़ का पौधा जिसे मिलेगा लाली को और अच्छे से ऑक्सीजन। फाइनली लाली अंदर आ चुकी है, जैसा कि आप देख रहे हो इंजॉय कर रही है, उसको पानी अच्छा लगा। तो फाइनली लाली को सक्सेसफुली पानी, गंदे पानी से अच्छे पानी में शिफ्ट कर दिया है, एंड फाइनली हम इसमें सक्सेस अचीव कर लिए। तो चलिए अब जो रहा सामग्री उसको अपनी जगह पे डाला जाता है। इधर ये जगह रहेगा प्लेट का, मैंने लगा दिया एक 8K का वीडियो लाली के सामने, जिसमें अलग अलग फिशेस है, तो लाली देखते हैं उनको, देख के लाली का रिएक्शन क्या रहता है। तो आइए देखते हैं लाली का रिएक्शन। तो वीडियो प्ले हो चुका और लाली अलग अलग फिशेस को देख रही है, ऐसा कि आप देख रहे हो लाली का पूरा ध्यान उधर ही है, ऐसा लग रहा है लाली को अपना कुछ पास्ट याद आ गया हो। एंड यस लाली इज़ इंजॉइंग द वीडियो, देख रहे हो जैसा कि आप लाली का रिएक्शन और वीडियो का रिएक्शन। तो मेरे को लग रहा है लाली को बहुत अच्छा लग रहा है देख के, तो आज लाली को यही वीडियो दिखा के लाली को खुश कराते हैं। क्या हो गया लाली, अच्छा लगा क्या? ये देखो मैं लाली को फूल दिखाऊंगा अच्छे से एकदम। एंड यस लाली इज इंजॉइंग, क्या गिल्स लग रहे दोस्तों, मतलब गजब यार दोस्तों, ये कलर इतना माइंड ब्लोइंग है ना दोस्तों, क्या बताऊं। देखो लाली मुझे थैंक यू बोलने आ गई दोस्तों, लाली आप लोग के सामने है और आप लोग को भी हाई कर रही है और बोलते सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया तो। तो यस लाली की तरफ से सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया है तो, टनल बॉक्स को, ऐसा लाली का कहना है। तो यस दोस्तों आप लाली के लिए सब्सक्राइब कर दो अगर लाली अच्छी लगी तो, जैसा कि देखो लाली आपको देख रही है, वाओ मस्त लग रहा है दोस्तों। देखो जैसा कि आप उसके गिल्स देख रहे हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, गजब है दोस्तों। तो मैंने लाली को टीवी के सामने रख दिया है, ये रहा टीवी और इधर रही लाली। एंड यस लाली टीवी को ही देख रही है, जैसा कि आप देख रहे हो लाली इज इंजॉइंग, लाली को पानी भी अच्छा लगा है, मुझे लाली का कलर बहुत अच्छा लगता है।
चलो ठीक है कोई नहीं, लाली भी अभी आपको फोटो शूट के लिए पोजेस दे रही है, वो कैमरा कोई दिख रही है पता नहीं क्यों। तो चलिए लाली के साथ एंजॉयमेंट बहुत हो गया, अब लाली को रेस्ट करने को देते हैं और हम अपना काम करते हैं। पता ना आपको लाली कैसी लगी, और हमने जो लाली को किया उससे कोई अच्छा पैटर्न रहता है या अच्छा टेक्निक रहता है पानी से दूसरे गंदे पानी से अच्छे पानी में शिफ्ट करने का? और बताना कैसा लगा लाली का कलर आपको और लाली का बिहेवियर आज चैनल व्लॉग्स के लिए जैसे लाली ने आपको पोस्ट की, तो बस आप बताना कमेंट सेक्शन में। देखते हैं अभी शाम हो गई है, सोच रहा हूँ बाहर जाने का राउंड मारने का, नहीं गया तो भी चलता है। दोस्तों शाम के 7:30 हो गए और मैं वॉक के लिए नीचे नहीं गया, मन नहीं कर रहा था जाने का, इसके लिए आज गया नहीं। तो सॉरी दोस्तों अगर आपको ऐसा लगा कि हाँ भाई आलस कर रहा है, लेकिन सॉरी जा नहीं पाया। चलो कोई नहीं, मैंने बोला था ना फिश को खाना आने का टाइम है 1-2 घंटे बाद देंगे, तो चलिए अभी उसको ही खाना देते, उसको भी भूख लगी रहेगी, तो लाली को भी खाना देंगे। चलिए फिश को खाना आने का टाइम आ गया है एंड यस तो आ चुका है फिश का फूड। अभी ये मैं इसको इसमें डालूंगा वापस 5-6 बॉल्स, तो चलिए 5-6 बॉल निकालते हैं इसमें से और डालते हैं फिश को। तो दोस्तों फाइनली सेपरेट करके 6 बॉल्स निकाल लिए अलग से, अब ये जाएगा लाली के पेट में एंड यस लाली एक्साइटेड हो गई है कि हाँ अब खाना मिलने वाला है। जैसे हमें खाना मिलता है तो हम एक्साइटेड होते हैं, लाली भी कोई एक्साइटमेंट हो जाता है खाने का। तो चलिए एंड यस ये जा चुका है, चलिए लाली को वापस डाल देते हैं फिश टैंक को टेबल पे और लाली अपना जगह पे एंजॉय करेगी। तो लाली को लाली की जगह पे डाल दिए, लाली इधर एंजॉय करती है। यस दोस्तों रात हो चुकी है, अब रात को भूख का टाइम हो गया भाई, भूख लग गई है जैसे ही टाइम होता है, नहीं खा रहेगा तो अभी हमारे साथ जुड़िए, एक परिवार है हम। तो चलिए साथ में मिल बैठ के खाना खाते हैं। दीदी अभी जॉब करे, दीदी भी ब्रेक टाइम लेगी एंड दीदी भी हमारे साथ ज्वाइन करेगी, तो बस दीदी के लिए रुका, दीदी को बुलाना था तो सोचा आपको ही बता देता हूँ एंड चलिए देखते हैं आज खाने में क्या बना है। दीदी चलो। हाँ तुम जा, मैं आती हूँ। ऐसा नहीं, 5-10 मिनट दीदी आपको आना ही पड़ेगा, दीदी आपको आना ही पड़ेगा। तो आज खाने में है दाल, भिंडी का भाजी और राइस। तो चलिए खाना खाते हैं, सबका खाना लग गया है, चलिए फिर खाना एंजॉय करते हैं, खाने के बाद मिलते हैं। यस दोस्तों तो खा के हो चुका है, हाँ थोड़ा नींद आई है बहुत, तो मतलब पेट भर खाना खा लेते हो तो अब क्या लास्ट में क्या एक नींद ही आती है। तो यस खा के हो चुका है, दीदी लोग का तो टाइम है। तो बस अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करा, सब्सक्राइब टू टैनल व्लॉग्स दोस्तों, फुल सपोर्ट देना आप लोग हो तो बस मेरा चैनल चल रहा है दोस्तों आप लोग की ओर से ही। लेट्स गो, बाय। बोलोगे नहीं कुछ? बाय 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 बाय। दोस्तों फाइनली सबकी तरफ से गुड नाइट, हाँ थोड़ा बड़ी good night, good ऐसे रुको ये भी करनी है गुड नाइट। यस तो चलिए होप आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट टू टैनल व्लॉग्स दोस्तों, फुल सपोर्ट आपकी ओर से। चलिए बाय दोस्तों।